नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हर्षित डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, मैं आज अपने खेत लगभग 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 एक महीने बाद अपनी पुरानी थार को लेकर आया हूँ, देख सकते हो। और मैं एक महीने बाद आया तो खेत में काफ़ी कुछ चेंजेस हो गया। तो सबसे पहले तो मैं अपने जो नेपियर है उसके बारे में बता देता हूँ। ये देख सकते हो दोस्तों, ये नेपियर था। इसकी स्टिक अब बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो रही है और एक एक स्टिक में से 20-20 25-25 फुटान निकल चुकी है। देख सकते हो, किसी में 2 है, इसमें भी 10 है, इसमें 3-4 है। तो मेरा जो एम था या मैं जो चाह रहा था कि इसको काट यानी अपने पशुओं को खिलाने से ज़्यादा इनकी स्टिक तैयार करने पे ध्यान था मेरा। तो मैंने घर में भी वैसा ही बता दिया था कि इसको काटना नहीं है, इसकी स्टिक तैयार करना है, तो इसे काटे नहीं। तो देख सकते हो बहुत ही अच्छी, और लगभग ये वाले पौधे ने तो लगभग 6 फीट हाइट गेन कर लिया है, 6 से 7 फीट हो गया, और यह अभी 5 फीट के आसपास है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं एक महीने बाद भी आया तो मेरे जो नेपियर है वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। और अब मैं इसको जो भी है लगभग, ये देख सकते हो आपको जितना दिख रहा है, ये लगभग अगर इसकी स्टिक और एक महीने का टाइम है अपने पास, तो एक महीने में लगभग हम ये जो 30 डिसमिल की बंदी है इसके भर उसकी स्टिक हो सकती है अगर हम लगाएंगे तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। अभी मैं देखता हूँ यहाँ से जो हमारी जो पंप है उसका कनेक्शन थोड़ा वायर टूट गया है हवा के कारण, हवा तूफान के कारण, उसको सुधार के कल फिर से पानी डाल दिया जाएगा। इसमें थोड़ी पानी की कमी लग रही है, ज़मीन सूख गई पूरी। और ये बरसीम था, बरसीम तो आपको पता है कि ठंड के मौसम में ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो गर्मियों में तो जब मैं था यहीं पे एक महीने पहले तभी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था, देख सकते हो सूख गया पूरा। और दोस्तों, ये चरी है, चरी सबसे अच्छी अपने पशुओं के लिए जो गर्मी में बोना चाहिए। जो ठंडी का दिन है उसमें आप बरसीम बो सकते हैं और उसके बाद जो गर्मी चालू होती है उसमें चरी बो दीजिए। तो चरी क्या है, ये हमारी लगभग चौथे बार हम इसको काट रहे हैं तो अभी भी अच्छा ग्रोथ कर रही है और देख सकते हैं इधर से और फुटान निकल ही रही है इसकी। तो इसको भी अब एक बार पानी दे देंगे तो और जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि अभी टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि कोई भी फसल हो या किसी भी प्रकार का घास हो उसको पानी लगभग 8 से 10 दिनों के अंतराल में एक बार देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज हम पानी दे रहे तो कल सूख ही जाएगा, तो हमने को घास काटने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि कल इसको हम पानी दे दें। ये देख सकते हो इसको किसी ने ऊपर से काट दिया तो वहीं पर गुठरेला गुठरेला हो रहा, लेकिन स्टिक अच्छी तैयार हो रही है। और एक बार बता दूँ, ये सुपर नेपियर है, अगर किसी को स्मार्ट नेपियर हो तो वो वीडियो में जो अपने बालाघाट किरनापुर क्षेत्र का होगा तो कमेंट कर सकता है, क्योंकि मैंने जहाँ से ये सुपर नेपियर लाया था जो भैया के यहाँ से, वो उन्हीं के पास स्मार्ट नेपियर भी है और उनके यहाँ स्टिक बहुत सी अवेलेबल है, उन्होंने बताया था एक वीडियो में। तो आपको अगर लगता होगा तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका उस भैया का नंबर दे दूँगा, ठीक है। और अभी हमारे इधर रबी कट चुकी है, पूरी हार्वेस्टर से कटाई हो चुकी है, और उड़द जो गर्मी में बोते हैं वह भी लगभग 2 से 3 दिनों का देख सकते हो, अच्छी फली उसकी भी है। और बस दोस्तों ऐसे ही, फिर बाकी की जानकारी तो मुझे अभी भी अच्छे से पता नहीं है क्योंकि मैं लगभग एक महीने से घर पर नहीं था। तो धीरे धीरे जब अपने काम पे लगूंगा तो धीरे धीरे सब कुछ अपने डेली इसमें रूटीन में आ जाएगा। मैं आज ही आया हूँ, आज सुबह भोपाल से, तो आज मुझे कोई अच्छा लग नहीं रहा है और कुछ किसी भी तरह के काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं हो रहा आ रहा है। और रही बात हमारी एक गाय जो काली वाली है जो हीट में आई है लगभग 2 दिन से बता रहे थे, तो आज मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया तो अभी शाम को लगभग 6 बजे आएंगे बोले, तो उसमें इंसुलेशन करवा देना है बस। बाकी और कोई जानकारी जब भी लगे तो मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपको ऐसी अगली वीडियो में, और अपना सपोर्ट बनाए रखें।